गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभ्युदय अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आशुतोष आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट देने के लिए। कल क्या कुछ हुआ उसके बारे में हम लोग जानते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ 18 का उत्तर प्रदेश का कल जो है ट्वीट आया, उस ट्वीट में क्या लिखा था, लखनऊ से है। 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग का मामला, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने काउंसलिंग लेट होने पर जताई नाराजगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा को निर्देश दिए, काउंसलिंग शेड्यूल तत्काल जारी करने के लिए दिए निर्देश। 5,000 से अधिक पदों पर होनी है भर्ती। तो देखिए, मंत्री जी का जो है कल जो है गुस्सा हुए और उन्होंने निर्देश दिया है महानिदेशक विजय किरण आनंद जी को कि जल्द से जल्द जो है भर्ती पूर्ण कराई जाए। तो जल्द ही आपको जियो वगैरह देखने को मिलेगा, आप लोग इंतज़ार करिए, नहीं तो फिर अब बच्चे जो है धरना प्रदर्शन करेंगे अगर उनको समय पर जियो वगैरह देखने को नहीं मिला। प्रशांत पांडे जी का ट्वीट है, 69,000 शिक्षक भर्ती में मंत्री सतीश द्विवेदी ने अधिकारियों के पेच कसे पेच। मंत्री ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को दिए निर्देश, तत्काल प्रभाव से काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो। तीसरी चयन सूची जारी करने में अधिकारियों की हीला हवाली व लचर रवैये से नाराज थे मंत्री बेसिक शिक्षा। तो इनका ट्वीट है। उसके बाद फिर इन्हीं का ट्वीट है, बहुत से ऐसे सरफिरे मिलेंगे, ये रिप्लाई है पंकज को, उसका काम है रोड़ा बन लगाना, तुम्हारा काम है उस रोड़े को रास्ते से हटाकर सभी के लिए रास्ता बनाना। देखिए, बात यह है कि कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं, बार बार कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही रही हैं। कहीं सीटें ठीक से नहीं पहुँच रही, या किसी स्टूडेंट का मुद्दा है, कहीं जो है काउंसलिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनती जा रही हैं, तो उसको जो है हटा के किसी तरह काउंसलिंग के लिए प्रेशर बनाना है और जल्द से जल्द काउंसलिंग करवानी है ताकि जो है समय पर आप लोग को नियुक्ति मिल सके। तो पंकज का रिप्लाई है कि एक सरफिरा है जो थर्ड काउंसलिंग होने में रोड़ा लगा रहा है, उसका हो नहीं रहा इसलिए वो होने नहीं देना चाहता। अब आप लोग समझो, मेरा काम था काउंसलिंग को कराकर आप लोगों को नियुक्ति देना। तो देखिए, इसी का रिप्लाई दिया है प्रशांत जी ने। तो आप लोग जो है इससे परेशान नहीं हुए, जल्द से जल्द आपको जो है जियो वगैरह देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिला तब आपको जो है जो भी टीम है, लीगल टीम वगैरह हैं, उन लोग का कहना है कि 14 जून से जो है अनवरत जो है धरना स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर जो है उनकी मांगे या उनको जियो जो है देखने को नहीं मिला या लिस्ट देखने को नहीं मिली तो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये रंजीत यादव जी का पोस्ट था कि वो जो है कल SCERT गए थे, वहाँ पर उन्होंने अपना प्रत्यावेदन वगैरह दिया है कि जो है जल्द से जल्द काउंसलिंग कराई जाए, इतनी कड़कड़ाती धूप वगैरह में ये लोग पहुँचे थे। तो चलिए देख लेते हैं क्या था। सभी साथियों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ जो इस चिलचिलाती धूप में भी पूरा साथ दिया। हम एक एक पद जोड़कर ही लिस्ट जारी करेंगे, ऐसा जो है वहाँ के अधिकारी कह रहे थे, गणेश सर कह रहे थे। चाहे वो जिस तरह से रिक्त हुआ हो, विभाग की नज़र एक एक पद पर बनी हुई है, तो आप लोग को सीटों की संख्या जो है अधिक देखने को मिलेगी। पर यह है, आपको बहुत सारा प्रतीक्षा करना पड़ रहा है, 2 महीने से ज़्यादा हो गए, 2.5 महीने होने वाले हैं। मार्च में 23 मार्च को मंत्री जी कह गए थे, उसके बाद फिर अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है। बार बार जो है वहाँ से मांगा गया था सीटों की संख्या बताइए, ये सब कितने बच्चे हैं SCERT वगैरह से, तो अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाया है कितनी सीटें हैं, पर जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। अब 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर चंद्रशेखर ने किया योगी सरकार पर हमला। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। को ऐप पर के जरिए आज़ाद ने यूपी सरकार को घोटालेबाज की सरकार कहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा है कि हम सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली रह गए पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी, जिसके लिए जल्द ही तीसरी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये इनका जो है कहना है। तो आप लोग को जल्द ही शेड्यूल वगैरह देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मंत्री जी भी जो है गुस्सा हुए थे, कल पता है आपको नाराज़गी जताई थी उन्होंने बहुत ही अपने विभाग पर कि लेट लतीफ हो रहा है, इतने दिन होते मतलब 2.5 महीने से ज़्यादा मेरे बोले हुए हो गए हैं मुझे कि जो है मैंने बोला था कि 1 महीने में काउंसलिंग करा के नियुक्ति पत्र दी जाएगी, लेकिन 2.5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक कुछ भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। तो आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।